हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। स्टूडेंट, इग्नू ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इंपॉर्टेंट नोटिस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये नोटिस उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके रिजल्ट में कोई इशू आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, नॉट कम्प्लीटेड NC लिखा आ रहा है, या फिर NR नॉन रिफ्लेक्शन, या फिर स्टेटस ही अपडेट नहीं किया गया है, या मार्क्स अपडेट अभी तक नहीं हुए। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, ये फॉर्म आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है, बिकॉज इसके बाद में आपकी सारी ही प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाली हैं। तो करना क्या है, आपको इस वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लेना है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कर देना है, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सो खैर, बात करते हैं इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, स्टडी सेंटर 0709 आर्यभट्ट कॉलेज की ओर से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है 30 सितंबर को। इसके बाद में यहाँ पे कई सारे पॉइंट हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बात करूँ, इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इसके, वो ये हैं, नॉन रिफ्लेक्शन NR, नॉट कम्प्लीटेड NC, स्टेटस ऑफ असाइनमेंट मार्क्स इन ग्रेड कार्ड, प्लीज़ विजिट दी फॉलोइंग गूगल फॉर्म। सो उन सभी स्टूडेंट के साथ में, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट के जो रिजल्ट हैं उसमें क्या लिखा आ रहा है, NC नॉट कम्प्लीटेड। कुछ स्टूडेंट के मार्क्स ही अपडेट नहीं किए गए, कुछ के इनरोलमेंट नंबर अगेन एंड अगेन नॉट फाउंड आ रहे। तो उस कंडीशन में ये फॉर्म आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करना कैसे, उस पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आपको सिंपली इस जो PDF मैं प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के लिए आप बेसिकली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप किसी भी स्कैनर से इसे स्कैन कर सकते हैं, या फिर ये भी आपके लिए प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दूंगा। मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा गूगल फॉर्म का, जिससे आप डायरेक्टली एक क्लिक में सिंगली पोर्टल पर चले जाएंगे, जिस पर अभी हम बात करने वाले हैं। तो आपको सिंपली मोबाइल से अगर करेंगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, स्कैन कर लेना है, जिसमें आपकी देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम जो रिजॉल्व होंगी उस पर बात करूँ। टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ मेंशनिंग योर ईमेल आईडी, क्योंकि कई बार स्टूडेंट ईमेल आईडी मेंशन नहीं करते सही प्रकार से, और यहाँ पे क्लियर करूँगा कि आपको वो ईमेल आईडी डालनी है जो आपके पास में एक्टिव है अभी के टाइम पे, ठीक है। रिटर्न ईमेल ऑफ फील्ड फॉर्म एक्ट NR सबमिशन स्लिप रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेशन। देखिए, मैंने कई बार बोला है कि आप सबमिट करते हैं तो उस टाइम पे स्क्रीनशॉट, अगर आप ईमेल से कर रहे हैं तो ईमेल को सेव करके रखें, ठीक है, क्योंकि आपकी सबमिशन रिसिप्ट है एक प्रकार से, ओके। उसके बाद में होगा क्या, आपको 21 डेज यानी कि 3 वीक्स तक वेट करना है, उसके बाद में आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा कॉलेज की ओर से, ठीक है। अब बात करते हैं इस फॉर्म के बारे में, कैसे आपको पूरी जानकारी मिलेगी, कैसे आपको करना है, उस पर हम बात करते हैं। स्टूडेंट, ये फॉर्म है जिसे आपको फिल करना है, और फिल कैसे करना है उस पर हम बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं उसी पोर्शन पर कैसे आपको फिल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसके बाद में मोबाइल नंबर, उसके बाद में अपना इनरोलमेंट नंबर। इग्नू में आपकी एक वेरिफिकेशन और एक पहचान इनरोलमेंट नंबर ही है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद में अपना नेम डालना है जो कि कैपिटल लेटर्स में ही होगा, ठीक है, ऑल लेटर्स आपके कैपिटल लेटर में होंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करना है, जो कि इजीली आप यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद में डियर बात करें तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोग्राम कोड को मेंशन करना है, यानी कि लिखना है, ठीक है, वो भी कैपिटल लेटर्स में ही ओनली आप यूज़ करेंगे। उसके बाद में कोर्स कोड आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे टिक करते जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये कोर्स कोड सेलेक्ट करना है, फिर ये करना है, आप यहाँ पर टिक कर लेंगे सभी को, ठीक है, जो आपकी कोर्सेज हैं जिसके रिजल्ट में कोई इश्यू है, जिसे आप प्रॉब्लम लगती है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नीचे आना है, इसको हम क्योंकि यहाँ पे सभी कोर्सेज के हैं इसलिए आपको देखने को मिलेगा, आप देख पा रहे हैं सभी प्रोग्राम के सभी कोर्सेज यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। अब डियर बात करते हैं इसमें और क्या गिवन है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अदर कोर्सेज अगर कोई ऐसा है जो यहाँ पर लिस्ट में मेंशन नहीं है तो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, ऐसा ही आपको प्रोग्राम कोड में करना है। अगर वहाँ पे मेंशन नहीं है तो प्रोग्राम कोड आप रैंडमली वहाँ पे फिल कर देंगे जो आपका मेंशन है, ठीक है। उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे एक सबमिशन प्रूफ, यानी कि जब आपने असाइनमेंट सबमिट किए, ऑफलाइन किए तो वहाँ पे रिसिप्ट दी जाती है, ऑनलाइन किए तो ईमेल से आपने किए होंगे, उसका स्क्रीनशॉट,
अगर आपने गूगल फॉर्म के जरिए किए हैं तो भी स्क्रीनशॉट वो आपको सबमिट करने होंगे, जो कि आपका एज ए प्रूफ काउंट होगा। ठीक है, वो यहाँ पे आप ऐड फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे, उसके बाद में आपको क्लियर कर देना है सबमिट। ठीक है, क्लियर फॉर्म करोगे तो फॉर्म ही गायब हो जाएगा, सारी डिटेल कैंसिल आउट हो जाएंगी, आपको करना है सबमिट। ठीक है, तो ये फर्दर प्रोसेस है जो आप सभी को करना होगा। और यहाँ पे क्लियर आउट कर दूँ, ये फॉर्म बेसिकली इग्नू के आर्यभट्ट कॉलेज की ओर से है, जिसमें इस पर्टिकुलर स्टडी सेंटर के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनकी कोई भी इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा यहाँ से। बाकी स्टूडेंट के लिए अपनी रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करना होगा, उसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन भी इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो चैनल पर बने रहें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें सभी स्टूडेंट के साथ में, ताकि और भी स्टूडेंट को ये अपडेट मिल जाए। और हाँ, चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ साथ चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल के परमानेंट मेंबर भी जरूर बन जाएं। मिलते हैं एक और अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।